ये सोल्यूशन है। जी व्यूअर्स, हम आज इस्लामाबाद के मारगला हिल पे जो मुख्तलिफ ट्रेल बने हुए हैं, तो ट्रेल 5 पे हम आए हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत ट्रेल है, यहाँ पे झरने हैं, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत और चीज़ें हैं। तो हम ट्रेल पे वॉक करते हैं, देखते हैं क्या क्या नज़र आते हैं। अब ट्रेल 5 पे हम अभी काफ़ी आगे आ गए और अब यहाँ से ये जो नाला है उसको क्रॉस करने के बाद सही चढ़ाई शुरू हो जाएगा और सही ब्यूटी जो है ना ट्रेल 5 की भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। आइए देखते हैं। यहाँ पे सुना है कि ट्रेल 5 पे जो है जो लेपर्ड वगैरह जो जंगली जानवर है वो भी आते हैं, तो शाम होने से पहले ना हमें अपनी जो ट्रैकिंग है उसको ख़त्म करके वापस आना होगा, इसलिए हम जितना जल्दी हो सके जाके हम वापस आ जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी दिन की रोशनी है, ये कोई 1:15 हो रहा है, लेकिन अभी जो है ना अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि लाइट काफ़ी जो है ना यहाँ डिम हो चुकी है, क्योंकि ये एरिया बहुत कंजेस्टेड जंगल है और यहाँ नीचे जो है ना रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच रही। तो आप देखें कितना खूबसूरत एरिया। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ अटेंशन जो है वो लिखे हुए यहाँ पर पब्लिक के लिए, इनको आपको पढ़ना चाहिए, और साथ में यहाँ पे डस्टबिन भी है और बैठने की यहाँ जगह बना हुआ है। तो आप अपने साथ कोई भी एक्सपाइजेट अगर देखो, मेरे पास पानी की बोतल है, अगर मैं पानी पी लेता हूँ तो बोतल को इधर उधर फेंकने की बजाय आपने डस्टबिन में डाल दी है। तो ये हमें अपना जो है एरिया जो क्योंकि ये हमारा अपना एरिया है, इसलिए हमें इसकी सफाई का जो है ख्याल रखना चाहिए। तो ये हिदायत जो आपको लिखे हुए यहाँ पे बोर्ड पे हैं, इस पे हमें सख्ती से अमल करना है, क्योंकि ये हमारे लिए और ये इस ट्रैक के लिए दोनों के लिए बेहतर है। ये जो नाला आपको नज़र आ रहा है, ये अभी तो खैर यहाँ पे खुशक है, पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप सर्दियों का दिन है, जब गर्मी होंगे और बारिशों के दिन होंगे स्पेशली, तो उस वक्त यहाँ काफ़ी सारा पानी आता है। तो वो जो पिछले मैंने आपको हिदायत दिखाया था बोर्ड के ऊपर, वो स्पेशली जो पानी वाले दिनों में ना उसके लिए वो ख़ास तौर पर है। वापसी पे चलता है क्या।
ये आप देख रहे हैं पोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। ये किसी ने हमारे पाकिस्तानियों की देखो ना जहनीत देखे इनकी, यहाँ से नो को जो है यहाँ मिटा दिया है और नो पोल्यूशन की जगह पोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। अब क्या करें इनका तो हम कुछ कह नहीं सकते ना, मतलब जाहिल लोग हैं। लेकिन मुझे यहाँ से एक किसी जाहिल ने जो है साइड पे ये फेंक दिया था बोतल, ये मिला है, मैं इसको डाल रहा हूँ डस्टबिन के। ये सोल्यूशन है। ये देखें ये एक बोतल यहाँ पड़ा हुआ है और तो जी ये एक महंगी एनर्जी ड्रिंक है और पी लिया उन्होंने और अपने जो एनर्जी है वो कहाँ वेस्ट कर रहा है, यहाँ रास्ते में इधर उधर गन खिला रहा है। तो जाता हूँ उसमें डालते हैं। देखें यहाँ से थोड़ी थोड़ी चढ़ाई जो है शुरू हो गया है। सही पत्थर है यहाँ से ना, आपने एहतियात से चढ़ना है क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी स्लिपी है तो आप स्लिप भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, लिहाजा केयरफुल। देखें जहाँ आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो जाहिर है फिर आपको सांस भी जो है आपको फूलने लगता है और आपको डिहाइड्रेशन होता है, लिहाजा जब आप कभी भी यहाँ पे आएँ ट्रेल फाइव पे तो अपने साथ पानी के बोतल लाजमी रखें क्योंकि ये जो है ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है तो पानी आपके पास होना चाहिए। व्लॉग के ऊपर आपने अपना मोबाइल जो है वो आपने कुर्बान कर दिया। अभी कुर्बान हुआ नहीं है, कोशिश आपने पूरी की उसको कुर्बान करने की। पानी एक नियामत है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ना पानी पूरी की आ भी रही है, वहाँ पे अगर आप देख लें तो पानी आ रही है और काफ़ी साफ पानी है माशाल्लाह। बहुत मज़े के पानी है यहाँ पे। ये पानी जो है अभी सर्दियों में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस तरह से सुबह 7 किलो पानी आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ये अमेजिंग है क्योंकि सर्दियों में भी इतनी साफ सुथरा पानी और ये कितने खूबसूरत मज़े देखो ऊपर से नीचे आ रहा है। इतनी लंबी ट्रैकिंग के बाद यहाँ पानी है कि मैं कभी खुश हो गया और मैं ये पानी पी नहीं रहा है क्योंकि पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये है कि ये वैसे भी साफ सुथरा है, मैं अपने पानी ला रहा हूँ। अच्छा ये देखो पानी साफ सुथरा पानी है, पानी के साथ साथ यहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी फैलाया हुआ लोगों ने। ये अभी मैं इन सब कुछ नहीं उठा सकता लेकिन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि ये देखें जगह जगह जो है, और जो पहले मैंने आपको बोर्ड दिखाया था ये यहाँ पर भी लगा हुआ है बोर्ड, और यहाँ पे यहाँ से आप हम अभी ट्रेल फाइव में हैं, ट्रेल फाइव से अगर ट्रेल थ्री की तरफ जाना चाहें तो ये रास्ता जो है ट्रेल थ्री की तरफ जाता है। और इसके अलावा आप अगर किसी ने नमाज़ पढ़नी है यहाँ जाय नमाज बिछे हुए हैं और यहाँ आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और बैठने के लिए बेंचेस भी बने हुए हैं। काफ़ी दूर है पता नहीं चश्मे तक। अब हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे मोबाइल के सिग्नल्स भी जो है गायब होने शुरू हो गए, तो अगर कोई यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर ये सोच के आइएगा कि ऊपर जितना भी आप जाएंगे तो आपके मोबाइल सिग्नल जो है कम होते जाएंगे, इंटरनेट की तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो ये आप भी केयरफुल। अभी देखें
नीचे तो बिल्कुल लाइट नहीं थी, अंधेरा लग रहा था, हमें लग रहा था घने जंगल के अंदर कोई लाइट ही नहीं है। तो अभी हम जंगल से निकल के अब काफ़ी ऊपर आ गए, अब धूप निकल आई है, देखें। अब यहाँ पे देखें टॉप पे हम आ गए तकरीबन, और यहाँ से इस्लामाबाद और रावल लेक का जो है खूबसूरत आपको मंजर यहाँ से नज़र आ रहा है, बहुत अमेजिंग है। मैं बोर्ड के पास पहुँच गया हूँ, इस पे लिखा हुआ है रेंजर्स हेल्पलाइन और आगे नंबर भी दिया हुआ है। तो और आगे मैं अपना मोबाइल में चेक कर रहा हूँ, मोबाइल पे सिग्नल भी आ रही है। नीचे जो है काफ़ी सिग्नल फ्लक्चुएट कर रहे थे, लेकिन यहाँ ऊपर को जो है आके मोबाइल के सिग्नल भी आ रहे हैं। तो ये हेल्पलाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वाइल्ड लाइफ के लोग भी फिर रहे होते हैं, उनके सीडीए के लोग भी हैं। इसके अलावा रेंजर्स भी यहाँ पे जो है गश्त कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी को कहीं पे भी यहाँ पे कोई भी मसला हो, कोई इमरजेंसी हो, कोई फ्रैक्चर हो जाए, किसी को कुछ भी हो जाए, हादसा हो जाए, तो ये आपको नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप कॉल करके आप रेस्क्यू जो है रेंजर्स के आप मंगवा सकते हैं। ना वो चश्मा भी है पानी का, ना साफ पानी का चश्मा है, तो लोग यहाँ पे ट्रेल करते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा पानी के साथ चहलकदमियाँ करते हैं, तो काफ़ी रौनक लगा हुआ है। ये जो नीचे आपको पानी नज़र आ रहा है, ये पहाड़ पे जो है ना, पहाड़ पे मतलब पहाड़ चीर के ना रास्ता बना के पानी वहाँ से जा रही है। तो हम नीचे से ये देखने आए थे कि पानी आता कहाँ से, ऊपर आए थे तो पता चला यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े पत्थर हैं, और ये बिल्कुल ही चौक एकदम है, और ये बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, और ये पानी इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, यानी एक नेचुरल चश्मा है, कुदरती चश्मा है जिसका पानी है, साफ़ सुथरा पानी है, यहाँ से निकल के आ रहे हैं और यहाँ से नीचे जा रहे हैं। और ये जो जगह है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी निकल रहे हैं, और ये उसके कुदरती चश्मा है, ये पत्थरों के अंदर से निकल के आ रहे हैं और ये पहाड़ बह रहे हैं और सीधा नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये पहाड़ को जो है मैंने चीर के जो है अपना रास्ता बनाया है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये यही पानी है जो नीचे आपको दिखाया था, साफ सुथरा पानी, और ये यहाँ से जाके नीचे आते हैं, और यही पानी नीचे जा आपकी शहरी आबादी में जो है वो नालों की सूरत में आता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे सीवरेज का पानी जो है वहाँ पे मिक्स हो जाता है, फिर पानी वहाँ से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें जो है नेचुरल जो रिसोर्सेज है हमें उसको साफ रखना चाहिए, शहरियों को और हुकूमत को भी चाहिए कि जो हमारे जो नदी नाले हैं जहाँ पर साफ़ सुथरा पानी के जो सिलसिले हैं उसको साफ़ रखना चाहिए, ताकि हमें हर जगह साफ़ सुथरा पानी भी मिले। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज से ट्रेल 5 के ऊपर बात, और बात अभी हमारा ख़त्म कर देते हैं, और ये बहुत एंटरटेनिंग जगह था और हमने बहुत इन्जॉय किया, और आप भी आ सकते हैं, अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, और ये बहुत सेफ जगह है, और ये इमरजेंसी के लिए भी यहाँ पे जो है अगर कोई इमरजेंसी होता है तो भी यहाँ पे रेंजर्स वगैरह इन सब की जो है लाइन भी है, और वो यहाँ पे हर वक्त आपके लिए अवेलेबल भी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और ट्रेल पे। थैंक यू वेरी मच।